Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब स्टूडेंट मैं आपको इस चैप्टर का एक कंसेप्ट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड देन उनकी हेल्प से हम आगे लेस देन ऑगाइव्स एंड मोर देन ऑगाइव्स पढ़ेंगे. सी लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेस देन टाइप, पहले मैं लेस देन टाइप बता दूं. आपको जनरली स्टूडेंट इस तरह डाटा दिया जाता है, यहाँ मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन अप टू, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आपको 90 to 100 दिया हुआ है एंड इनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज जनरली इस फॉर्म में आपको डाटा दिया हुआ है और वो फ्रीक्वेंसी का समीशन 53 आया है. अब स्टूडेंट अब आपको अगर लेस देन टाइप लेस देन टाइप का तैयार करना है आपको टेबल, तो लेस देन टाइप के लिए आप क्या करेंगे इस बात का आप ध्यान रखिए. लेस देन टाइप के लिए आप हमेशा अपर लिमिट्स का यूज करेंगे. दिस अपर लिमिट्स के लिए अपर लिमिट्स का यूज करेंगे आप लेस देन टाइप के लिए. नाउ सी ये थोड़ा स्टूडेंट सी 10, 20, 30, 40, 50 अपर लिमिट्स है ना पर्टिकुलर क्लास की, इन सब का यूज करेंगे आप और लिखेंगे कैसे. मार्क्स लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 एंड सो ऑन, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड लेस देन 100. ये आपने लिख लिया कि आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लेस देन टाइप है उसके लिए क्लास का काम करेंगे या आपने क्लास लेस देन टाइप. अब स्टूडेंट देखिए 0 टू 10 वाले कितने स्टूडेंट थे, 0 टू 10 वाले मार्क्स के कितने स्टूडेंट थे, 5. नाउ स्टूडेंट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे कितने स्टूडेंट है, कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, आप सीधा बता सकते हैं 5 लोगों के मार्क्स से ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. नाउ स्टूडेंट अगर अब मैं पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है, तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या होगा, ये जो 5 स्टूडेंट हैं, ये जो 5 लोग हैं इनके भी क्या है मार्क्स 20 से कम है और इनके भी, यानी 5 और 3 का सम 8. 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से कम है. नाउ स्टूडेंट अगर मैं पूछूं अब आपसे कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके मार्क्स क्या है लेस देन 30 है, 30 से कम, तो देखिए ये 4B, ये 3B, ये 5B, ये सब जो हैं इनके मार्क्स 30 से कम है, तो यहां पर आप क्या करेंगे इन सब का सम कर देंगे. तो 5 और 3 8 में 4 ऐड कराया आपने 12. अब मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने हैं जिनके 40 से कम है, तो 40 से कम वाले ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी, यानी इन सब का सम 5, 3, 4 12 था और 12 में 3 ऐड कराया तो 15 एंड सो ऑन. आपने लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 100, ऐसे कितने लोग हैं जिनके मार्क्स लेस देन 100 है स्टूडेंट, ऊपर तक की सारी फ्रीक्वेंसीज का सब दैट विल इक्वल टू 53 आएगा, जो कि यहाँ सिग्मा एफ आई भी होता है हमारा. ये क्या होता है स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई होता है ना यहाँ पे, सिग्मा FI इक्वल टू ये इसके बराबर आता है हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा जब भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करेंगे. दिस विल इक्वल टू आखिरी वाली की जो क्लास होगी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और सिग्मा FI के बराबर होगा ये. तो इस तरीके से आपने लेस देन टाइप बनाए, यानी से कम, लेस देन 10, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, इस टाइप में लेस देन टाइप आती है. अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है आपका, मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द मोर देन टाइप. ये कैसे होगा स्टूडेंट मोर देन टाइप का, तो स्टूडेंट इसके लिए आपको मैं ध्यान दिला दूं, इसके लिए आपको कौन सी चीजें लेनी है, इसके लिए आप लेंगे लोअर लिमिट्स ऑफ द क्लास. ये आपका सिंपली जो आपका डाटा दिया जाता है इस फॉर्म में होगा, इसे आप कन्वर्ट कराएंगे मोर देन टाइप में. किस तरीके से, यहां लेकिन जो यूज करेंगे आप लोअर लिमिट्स को यूज करेंगे.
लेस देन के लिए आपने अपर लिमिट्स को यूज किया था, यहाँ लोअर लिमिट्स को यूज करेंगे. दीज आर द लोअर लिमिट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव क्लास. तो इनको यूज करेंगे और लिखेंगे इसकी क्लास क्या हो जाएगी, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50 एंड सो ऑन. ये आपका बन जाएगा मोर देन 90. अब मैं अगर आपसे पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जिनके मार्क्स क्या हैं 0 से ज्यादा हैं, अगर हम ये एज्यूम करके चलें कि भाई कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स 0, और मैं आपसे पूछूं ऐसे कितने लोग हैं जिसके मार्क्स 0 से ज्यादा हो, ये आप लिख सकते हैं मोर देन 0 और इक्वल टू 0. ऐसे ऑल 53, ऑल 53 के 53 स्टूडेंट क्या हैं, ये सारे के सारे जिनके मार्क्स 0 से ज्यादा हैं. और ये देखिए हमने कहां से लिया, ये समेशन क्या है, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू द 53, ये सिग्मा एफ आई इक्वल टू 53 है. तो यानी 53 से स्टार्ट कराया, तो सारे के सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 53 से ज्यादा हैं. नाउ स्टूडेंट मोर देन 10, ऐसे कितने लोग हैं जिनके मार्क्स 10 से ज्यादा हैं, तो 10 से ज्यादा वाले कितने लोग हैं, इस 5 को छोड़ के, ये 5 को छोड़ के बाकी सबके सब कितने हैं, इनके मार्क्स मोर देन 10 है. तो मैं क्या करूंगा, 53 में से ये 5, ये जो 5 है 53 में से 5 को मैं माइनस करा दूंगा. देखिए टोटल स्टूडेंट में से मैंने क्या कराया, 5 स्टूडेंट को माइनस कराया, क्योंकि 10 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के हैं, सिर्फ इस क्लास इस 5 लोगों को छोड़ के बाकी सबके सब मार्क्स कितने हैं, 10 से ज्यादा है. उसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मोर देन 20, 20 से ज्यादा मार्क्स कितने लोगों के हैं, तो स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या होगा, टोटल 53 में से ये 5 और 3 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कितने हैं, 20 से कम, ये 10 से कम. और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, 20 से ज्यादा मोर देन 20, उसके लिए क्या होगा, ये दोनों नहीं आएंगे. क्या करेंगे आप, 53 में से 5 माइनस कराएंगे 48 एंड अगेन 3 माइनस कराएंगे 45. तो 45 कितने हैं, 45 ऐसे हैं जिनके मार्क्स क्या है, मोर देन 20 है, 20 से ज्यादा है. सो ऑन मोर देन 30 के लिए आप क्या कराइए, सिंपली 45 में से ये इसकी फ्रीक्वेंसी 4 माइनस कराई 41, मोर देन 40 के लिए 41 में से इसकी फ्रीक्वेंसी 3 माइनस कराई 38 एंड सो ऑन. आपने इस तरह से आप देखिए कंपेयर करा के आपने फ्रीक्वेंसीज को माइनस करा के रेस्पेक्टिव को निकालते जा रहे हैं लगातार. एंड मोर देन 90 से ज्यादा वाले लोग कितने आए इस तरह के, 8 पीपल ऐसे हैं यहाँ पे, या स्टूडेंट के जिनके मार्क्स क्या हैं मोर देन 90. और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 90 से ज्यादा और 100 से कम वाले कितने, 8. तो ये देखिए सेम आया है ना, यहां पर ये चीज जो होती है ये दिस, ये सेम आती है. और वहां पर लास्ट के लिए क्या सेम आया था, सिग्मा एफ आई के बराबर. तो इस तरीके से आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बना सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको दिया हुआ, उसका लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं. और ये हमें क्या होगा, इसकी मदद से हम ऑगाइव्स को पढ़ेंगे. तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको डाटा किस फॉर्म में दिया हुआ है और लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है. नाउ स्टूडेंट अब मैं आपको ऑगाइव्स के बारे में पढ़ाऊंगा, और वो भी लेस देन टाइप में होंगे एंड मोर देन टाइप, दो टाइप की होंगी.